हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अब आपके अपने मन पसंदीदा चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ में पेपर नंबर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड से एक टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च लेक्चर नंबर 2 के तहत समझेंगे। लेक्चर नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, जहां पर आप जा करके व्हाट इज रिसर्च ये देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च जो आपको पढ़ना है, दैट वन इज अ फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और ये उसके काइंड्स क्या क्या है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल, कॉशी एक्सपेरिमेंटल, कैजुअल कंपैरेटिव एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इन सब की जो लेक्चर है पूरा उसका टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आनंद लॉ एकेडमी सर्च मारिएगा, सिमिलर फोटो जो आपके इस चैनल पे लगी वही टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स काइंड, हिस्टोरिकल, एथनोग्राफिक, फिनोमिनल एंड फिनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, इतनी टाइप्स आपको पढ़नी है। आज जितनी मैक्सिमम होगा कवर कर पाएंगे, अदरवाइज पार्ट 2 आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मेरा फंडामेंटल रिसर्च, जिसको आप प्योर या बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके की इसका टाइप क्या होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च है, कंडक्टेड फॉर एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। तो कुल मिलाकर के ये नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नेचुरल फिनोमिना के लिए। ये कीवर्ड से डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा, ऐसे ना कि ना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। क्या जनरेट करता है, न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज को जनरेट करता है। तो आपसे पूछेगा चार ऑप्शन दे करके कि विच वन ऑफ दी फॉलोइंग रिसर्च जनरेट्स न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। बहुत आसान, नेट जेआरएफ के दो नंबर के लिए आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। फंडामेंटल रिसर्च फोकस किस पे करता है, मेकिंग द जर्नलाइजेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी किस में होता है, दैट वन इज अ फंडामेंटल रिसर्च। Outcome of this research form the basis of many applied research. ये बात ध्यान रखिएगा। Example के तौर पे देखिए, study assessing whether men or women are more likely to suffer from depression. ये एक example है कि क्या महिला या पुरुष कौन ज्यादा depression के लेकर के assessing करता है, तो ये आप देख सकते हैं। Point number 2 is applied research, जिसे हम decisional research भी कहते हैं। ये आफ्टर स्टेप होता है फंडामेंटल रिसर्च का या फिर बेसिक रिसर्च का। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च को ही बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है या प्योर रिसर्च कहा जाता है। एक्सेप्टेड थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च आर वेरीफाइड एंड अप्लाइड ऑन द रियल लाइफ। तो फंडामेंटल रिसर्च का जो भी एप्लीकेशन आप देखने को मिलेगा, कहां मिलेगा, अप्लाइड रिसर्च में देखने को मिलता है। आउटकम्स ऑफ दिस रिसर्च आर मीट फॉर द इमीडिएट एप्लीकेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसके आउटकम्स किस लिए होते हैं, इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं। किस बात पर ये इंपॉर्टेंस करती है, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग जो देखने को मिलेगा वो आपको किस में मिलेगा, अप्लाइड साइंस में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए, अ स्टडी ऑन हाउ टू इम्प्रूव द इलिटरेसी इन द टीनेजर्स। तो टीनेजर्स में इलिटरेसी क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बढ़ाएंगे, अगर आप ऐसी कोई रिसर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है इमीडिएट आपको एप्लीकेशन करना है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रिसर्च इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट वन इज एक्शन रिसर्च। इस शब्द को कॉइन किया गया था कुर्ट लेविन के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस। ये आपके एक्शन और डिसीजंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, किस बात पर स्ट्रेस करता है, डेवलपिंग, एमलोरेटिंग, इम्प्रूविंग द प्रेजेंट सिचुएशन टू मेक दीज बेटर। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जाहिर सी बात आप एक्शन लेने जा रहे हो, मतलब कुछ करने जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ चल रहा है उसको ठीक करने जा रहे हो, तो मतलब आप कुछ करने जा रहे हो। सिक्वेंस क्या होता है, ये भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है एक्शन रिसर्च में इन्हीं को ऑप्शंस को इधर उधर कर देगा, बट द राइट सीक्वेंस इज दिस। एग्जांपल के तौर पर स्ट्रक्चर्ड होमवर्क प्रोटोकॉल्स फॉर इंक्रीजिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। कैसे होमवर्क दिया जाए, क्या प्रोटोकॉल्स रखे जाए कि भाई स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है, जो उनकी सीखने की क्षमता है, वो जो फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक ला रहे हैं या कुछ अवार्ड वगैरह पा रहे हैं, दीज ऑल आर द अचीवमेंट्स,
तो इन चीजों को होमवर्क से कैसे बढ़ाया जाए, ये अगर आप इस प्रकार की कोई रिसर्च करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्शन रिसर्च। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अल्टीमेटली एक रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या कहलाती है, आपकी कैरिड आउट टू स्टडी अ फिनोमिना दैट कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नंबर्स में कहीं कोई बात हो रही होती है तो वहां पर क्या माना जाता है कि ये कौन सी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है ना, एक शब्द जानते होंगे क्वांटिटी, है ना, ये आप सब, क्वांटिटी का मतलब हाउ मच। तो जहां हाउ मच आ गया मतलब वहां पे नंबर्स। तो ऐसी कोई भी रिसर्च जिसमें चीजें नंबर्स में हो या फिर ग्राफ में हो, टेबल्स में हो, दैट पर्टिकुलर इज व्हाट, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये किस लिए कैरीड आउट की जाती है, टू स्टडी अ फिनोमिना दैट कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स, ठीक है। स्टार्ट्स विद अ गिवन थ्योरी इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी इसके बाद एक फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये वहां से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वालिटी बता दी उसके बाद क्वांटिटी नापा जाएगा। इसमें रिजल्ट हाइपोथेसिस इज फॉर्मड एंड टेस्टेड अपॉन आफ्टर डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड इन द फाइनल कंक्लूजन। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है, रिजल्ट क्या होगा, टेबल और ग्राफ्स में होगा। तो आपसे पूछेगा किस रिसर्च में जो रिजल्ट है वो टेबल और ग्राफ्स में मिलता है, तो आपको क्वालिटेटिव पर नहीं टिक मारा है, क्वांटिटेटिव पे मारना है टिक। नेचर कैसा होता है, डिडक्टिव एंड ऑल्सो कंक्लूसिव, ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर किन शब्दों का देता है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, किन शब्दों का नहीं देता, व्हेन, व्हाई, व्हाई शब्द को यह डिडक्ट नहीं करता है, ठीक है। व्हाट, व्हेन एंड वेयर को केवल और केवल करता है। इसमें क्वेश्चंस जो डाटा कलेक्शन के दौरान पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज एंडेड, हाँ या ना में जवाब। जैसे आप देखते होंगे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह हो गए, इन पे जब आप क्या कहते हैं मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं इनके कस्टमर केयर से, तो देर इज अ ऑप्शन, आप अपने आप से टाइप नहीं कर सकते, तो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चनिंग इज नोन एज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें आप एडिशनल टाइप नहीं कर सकते, हम जो ऑप्शन दे रहे हैं उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना रहता है। सर्वेज आर यूजली कंडक्टेड टू कलेक्ट द डाटा, ठीक है। अब इसका एक टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम स्टैटिस्टिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। करंट स्टेटस ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल का बताता है ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहीं पूछता है जीआरएफ के पेपर में कि करंट स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाइड वेरिएबल किस रिसर्च में है, तो आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एक चीज और ध्यान रखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो भाई कर लीजिए फट से, क्योंकि यूजीसी नेट के हम लोग पूरा सिलेबस करने वाले हैं यहीं पर बैठ करके, पेपर वन का और पेपर टू बोथ का। लॉ अपना मास्टर सब्जेक्ट है और जीआरएफ एज अ क्वालिफाइंग या एज अ स्कोरिंग नंबर हम लोग देख रहे हैं, उस तरीके से लेकर के इसको चलना है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो आपका एक नंबर में बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हो गया है, इस पर अपना टेक्स्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको किसी सिविल जज के पेपर के लिए, एपीओ के लिए, यूजीसी नेट जीआरएफ के पेड कोर्सेज के लिए अगर एनरोलमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, सबकी क्लासेस यहाँ पर चल रही है। नेचर क्या होता है, स्टैटिकल एज फ्रीक्वेंसी एवरेज एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर आइडेंटिफाइड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नेचर है उसका वो कैसा है। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी एवरेज एंड अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, मतलब कि थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वेरिएबल्स ओनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, अभी कुछ रिसर्च मिलेगी जिसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, तो केवल ऑब्जर्व करेगा तो मतलब रिसर्चर इसको क्या नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, ठीक है। मेथड क्या होता है, केस स्टडीज होता है, इंटरव्यूज होता है, सर्वे क्वेश्चन आंसर होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा भाई। हम लोग को पेपर क्रैक करना है, टॉपर तो आप गलती से बनेंगे, क्रैकर बनना आसान नहीं होता है, टॉपर बनना आसान होता है। इफ यू क्रैक द पेपर यू बिकम द टॉपर, पर क्रैकर बनना उसके लिए जरूरी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की ही दूसरी पार्ट है कोरिलेशनल रिसर्च। क्या होता है, ये एक टाइप की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, अपने आप में जनरली इसको रिसर्च नहीं माना गया है, बट हम फिर भी इसको एक अलग से रिसर्च के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स दो होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, मतलब एक को आपने हिलाया तो दूसरा हिल जाएगा या नहीं हिलेगा, ये आपको जब जांच परख करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करते हैं उनकी नेचुरल सेटिंग्स में, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। डिटरमाइन क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोरिलेशनल रिसर्च में क्या पूछेगा, कि वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, तो नहीं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब जाहिर सी बात है आपको एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा और उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर देखा जाएगा कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसा बिहेव कर रहे हैं जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं जो रिसर्चर के हाथ में होता है, जिससे वो कुछ चाहे तो कर सकता है, कुछ ना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो एक वेरिएबल पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बिटवीन द वेरिएबल्स आर स्टडीड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस रिसर्च में, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में बनता है। डाटा कलेक्शन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का क्या मतलब, जाहिर सी बात है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जिस चीज को आप बढ़ा रहे होगे घटा रहे होगे, फर्ज करते हैं एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया जाता है फर्टिलाइजर्स को और पेड़ को लेकर के। तो अगर कोई फर्टिलाइजर आप पेड़ पे डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है उसको खाद मिल रही है, ऑर्गेनिक खाद मिल रही है तो और अच्छी बात है, गोबर मिल रहा है और अच्छी बात है। ये कोरोना काल में गोबर लगा करके कोरोना बचने वाला नहीं, ये गोबर जो है प्लांट की हेल्थ के लिए दिया जा रहा है, एज ए न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात अगर आप किसी पेड़ को खाद अच्छी दे रहे हो, पानी अच्छा दे रहे हो, मतलब आप एक एनवायरमेंट कंट्रोल कर रहे हो कि भाई हम जैसा देंगे पेड़ उतनी गति से बढ़ेगा, तो ये क्या कहलाता है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई, सही है सर इन द कमेंट। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव में ही एक और, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कैजुअल कंपेटिटिव रिसर्च। ये एक तरीके के क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यहां भी मैनिपुलेट करते हैं बट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द रिसर्चर। एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है पर इन दिस केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, रिसर्चर का हाथ उसमें नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि खाद आप डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पर रिसर्चर चाहे तो खाद ना डाले और चाहे तो डाले, तो वहां पर उसका इंटरफेरेंस है, बट इन दिस केस देयर इज अ नो एज सच इंटरफेरेंस। जैसे किसी व्यक्ति की अगर आयु बढ़ रही तो उसको भूख कैसे लगेगी, उसकी बढ़ेगी या घटेगी, तो भाई अब उम्र बढ़ना या हाइट बढ़ना तो उस रिसर्चर के हाथ में है नहीं, वो रोक नहीं सकता। तो इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च इज नोन एज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, to find out the effect on the dependent variables, ये देखता है, examine the impact of the changes in the independent variable, कि भाई अगर एक बढ़ रहा है या घट रहा है तो दूसरे पर क्या हो रहा है बिना मेरे interference के। data collection in natural setting किया जा रहा है, controlled environment नहीं है, ये एक तरीके का true experiment research नहीं होता है क्योंकि जो researcher है वो manipulation नहीं कर पा रहा है। एक तरीके से आप समझिए यहाँ पे जो नेचर है वही मैनिपुलेशन कर रही है, हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वर है। बात समझ में आ रही है क्यों इसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं माना जाता है। खैर नोट पॉइंट एक समझिए, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्टो रिसर्च आर टाइप ऑफ अ कैजुअल रिसर्च। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि कैजुअल रिसर्च किन दो रिसर्च को कहा जाता है या किस एक रिसर्च को कहा जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल भी है और एक्सपेक्टो भी है। अगर दोनों दे रखा है तो दोनों को कंबाइंड ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, अगर इनमें से एक भी दे रखा है तो उसको आप टिक करके आएंगे। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ पेपर क्रैक करना है, टॉपर की नजर से मत पढ़ना, क्रैकर की नजर से पढ़ना, जीआरएफ आपका क्रैक होगा और माइट बी चांसेस कि आप टॉपर भी हो। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहती है कि आपको क्या गेन करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइनिंग रीजन ओपिनियन एंड मोटिवेशन। तो ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, ओपिनियन मोटिवेशन अंडरलाइनिंग रीजंस किस रिसर्च का पार्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। प्राइमरली ये रिसर्च अपने आप में एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। तो अगर आपसे पूछता है क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली इज व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च, तो आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर ही टिक करना है। क्या प्रोवाइड करता है, इनसाइट्स प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने में, इंटरप्रिटेटिंग द बिहेवियरल पैटर्न। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहेवियरल पैटर्न हम किस रिसर्च में स्टडी करते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में। नो न्यूमेरिकल डाटा, जाहिर सी बात है क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा, दिस इज अंडरस्टूडेबल चीज, बट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। किन चीजों का आंसर देगा, वाई का आंसर देगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं दे रहा था। नॉट आंसर व्हाट, व्हाट का रिसर्च नहीं देने वाला है। ब्रॉड फील्ड ऑफ इंक्वायरी होती है यहाँ पर, देयरफॉर डाटा कलेक्शन अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या, कोई आप एक सेट पैटर्न नहीं लेते हैं कि भाई हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, आप जहां से डाटा पाए वहां से उठा लिए, समझिए एक तरीके से
क्या हो रहा है, जैसे फूड इंस्पेक्टर आता है जिस होटल में मन करता है वहां पे घुस करके सैंपलिंग उठा ले जाता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड होगी यहाँ पे, टेक्निक भी अनस्ट्रक्चर्ड हो रही, कोई बहुत प्लान्ड वे में चीजें नहीं हो रही होंगी। जो सैंपल साइज होगा वो स्मॉल होगा यहाँ पर। डाटा रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर क्या कहते हैं कि भाई जो बिहेवियर को समझने के लिए चीजें होती है वो यहाँ पर कह रही होंगी। क्वालिटी ऑफ रिसर्च हो रहा होगा, डिपेंड करेगा स्किल ऑफ द रिसर्चर पर, कि रिसर्चर का स्किल कैसा है उस चीज पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस कैसे होंगे यहाँ पर, ओपन एंडेड होंगे। ओपन एंडेड का मतलब आप एडिशनली कुछ बढ़ा सकते हैं इसमें, जैसे हाँ या ना में जवाब नहीं हो रहा होगा। नेचर क्या है, इंडक्टिव नेचर होगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग गैदर्ड फ्रॉम द क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स इन द डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको डेवलप करने में क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प करेगी। कहाँ पे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, ये आपसे पूछेगा, ये मेथड ऑफ रिसर्च में भी आपसे है। यहाँ पर आप स्टडी इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स को करते हैं और उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट इवेंट्स पे क्या पड़ने वाला, ये भी आप इसी में जानेंगे। आंसर करता है व्हाट वाज द सिचुएशन। यहाँ पे जाहिर सी बात है आप कोई पास्ट की चीज पे स्टडी कर रहे हैं तो जो उस टाइम में डायरीज रिपोर्ट्स माइन्यूट्स लिखे गए होंगे किसी मीटिंग के या पास्ट रिकॉर्ड्स जिन्हें आप समझते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हिस्टोरिकल एजुकेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द देन पीरियड, मान लेते हैं मुगल काल में क्या एजुकेशनल सिचुएशंस थी, ये आपको स्टडी करना है। तो ये किसके तहत आएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च के तहत आएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर कैसा हुआ करता था, है ना, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, जनरली ये शब्द जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट से जनरेट किया गया है। यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, किसी कल्चर को, अगर मान लीजिए किसी कल्चर पर स्टडी करने जा रहा है तो वहां के लोगों के बीच में वो वैसे ही ढल जाएगा। मान लेते हैं आदिवासियों के बारे में उसे समझना है तो आदिवासियों के बीच में जाकर के वो बस जाएगा कि भाई आदिवासी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये चीज उसको समझ में आए, इसलिए वहां पर वो रुकता है। फॉर मैनी ईयर्स, हो सकता है 3 महीने के लिए रुके, 4 महीने के लिए रुके। एम क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द कल्चर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपुल, भाई वहां के लोगों को कल्चर समझना, जाहिर सी बात है अगर आप वही स्टडी करने गए तो वही समझेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, इन रियल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल सेटिंग में समझता है कि हाँ भाई जाहिर सी बात उनके बीच में जाकर के जी रहा है तो रियल एनवायरनमेंट में समझेगा चीजें। मेथड क्या होता है, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, ये गहराई से समझेगा, बारीकी से समझेगा। डाटा कलेक्शन क्या होता है, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, वो वहां पर जाएगा उन लोगों की मार। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, क्या कहते हैं अवतार, तो जो अवतार में वो बंदा जाता है उन लोगों के बीच में रहता है, तो दैट इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कि भाई ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। देयरफॉर ये टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक काइंड है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। जाहिर सी बात है इतना बड़ा नाम है तो यहाँ पे कोई फिनोमिना ही हम समझने की कोशिश करेंगे। फोकस किस पे होता है, पार्टिसिपेंट्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे, रिलेट करता है एक्टिविटी ऑफ द फिनोमिना पे। मेथड क्या होता है, इसमें कंबाइंड मेथड यूज किए जाते हैं, इंटरव्यूज, रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, वॉचिंग वीडियोस। फिनोमिना को समझना है तो यही सब हमें समझना पड़ेगा। डाटा कलेक्शन क्या होता है, रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग इवेंट और एक्टिविटीज, यहाँ पर ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, चलिए नेक्स्ट वन इज अ नैरेटिव रिसर्च। नाम से पता चल रहा है कि कुछ नरेट किया जाएगा। नैरेटिव रिसर्च में क्या करेगा, नरेट करेगा। रिसर्चर क्या करता है, राइट करता है About the life experiences of the individual। Data collection कहाँ से होता है, एक या दो individuals से, उनसे interviews कि भैया आपका कैसा experience रहा। अब सदगुरु को बुला के लेकर के चले और पूछो सर आपका कैसा interview, कैसा experience है spiritual life में। Family stories आप सुनते हैं, journals को पढ़ते हैं, autobiographies, अमिताभ बच्चन की autobiography पढ़िए, सचिन तेंदुलकर की autobiography पढ़िए। तो ये क्या है, ये आप एक तरीके से उनके experiences को ले रहे हैं, आप narrate करेंगे यहाँ पर पढ़ पढ़ के, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई डॉक्यूमेंट है, मुगल काल में ये चीजें हुई, कैसे हुई, क्या हुई, तो वो आप क्या कर रहे हैं, नरेटिव वे में पढ़ रहे हो, है ना। कई सारे आपको पता है ट्रेवलर्स आते थे तो आप उनका नरेशंस पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, नरेटिव रिसर्च करोगे। फोकस करता है स्टोरीड एक्सपीरियंसेस पे, जो कहानी दुनिया में चल रही है उन्हीं कहानी इसके बेस पे एक्सपीरियंस करेगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, हेल्प इन गेटिंग इनसाइट इनटू अ प्रॉब्लम व्हिच हैज नॉट रिसर्च्ड यट, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक्सप्लोरेटरी मतलब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, जो अब तक रिसर्च नहीं किया गया उस पर रिसर्च किया जाना होता है।
हो सकता है कई सारी चीजें रिसर्च होती है उनकी एक ब्रांच, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप नई ही बिल्कुल रिसर्च कर रहे हो जिसके बारे में अभी तक कुछ रिसर्च नहीं किया गया है। फोकस किस पे होता है इसका? डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज, कि क्या नए आइडियाज मिलेंगे। प्रॉब्लम एट वन हैंड इज एक्सप्लोर्ड अलोंग विद द डिटरमिनेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन, टाइप ऑफ डाटा कलेक्टेड, मेथड टू बी यूज्ड एंड द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। जाहिर सी बात है यहाँ पे रिसर्चर वगैरह से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे भैया ऐसा ऐसा है बताइए। नॉट इंटेंडेड टू फाइंड एनी कंक्लूजन, बट यहाँ पर आप सिर्फ एक्सप्लोर करते हो, कोई कंक्लूजन नहीं प्राप्त कर रहे होते हो। फोकस ऑफ द कंडक्ट क्या, प्रोसेस ऑफ द कंडक्ट क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मोस्टली, ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यूज आप यहाँ पे कंडक्ट करते हो, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना है। आपको नहीं पता कि हम अगर एक सेट पैरामीटर पे चलोगे, मान लो बीच में कोई ऐसी बात आई, नायक मूवी देखी है? अब नायक मूवी में एक सेट इंटरव्यू था, बट उसने जब देखा कि कुछ और चीजें निकल रही है, तो उस स्ट्रक्चर्ड वे से हट करके अनस्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू कंडक्ट होने लगता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर कैजुअल रिसर्च जिसे हम कहते हैं, जहां पर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स भी डिसाइड करते हैं। कमेंट में बताइएगा इससे पहले किस रिसर्च में हमने यही चीज देखा था। ठीक है, मेथड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। स्टडी के लिए एग्जाम्पल देखिए, स्टडी ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट्स एडिक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में, या जो टीनेजर्स होते हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, दे आर मोर स्टिक टू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एक जनरल फिनोमिना है। तो इस पर अगर आपको डाटा कलेक्शन दिया जाए, आपको रिसर्च, स्टडी का मतलब क्या, रिसर्च करना है यहाँ पर। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या है, रिसर्च करना, कि भाई जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रति कितना झुकाव है, ये अगर आपको समझना है तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के तहत आप रिसर्च करेंगे। सर्वे रिसर्च क्या होती है? नेक्स्ट 8 है डाटा कलेक्शन। इसमें क्या होता है? बाय आस्किंग क्वेश्चन टू इंडिविजुअल्स, क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड वे में बनते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, एम क्या होता है? गेन इनसाइट इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। मेथड क्या होता है? इंटरव्यू, फोन, मेल, कॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑनलाइन जैसे भी आप सर्वे कर पाओ। आप क्या भी यार दोस्त भेज देते हैं सर्वे, भाई कर लेना इस फॉर्म को भर देना, या आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में रिसर्चर्स आते हैं सर्वे करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यूट्यूब सर्वे करता है आप जिसपे लेक्चर देख रहे हैं, हम लोग क्रिएटर से हम लोग को सर्वे मिलते हैं, सर आप ये बताइए, फीडबैक सर्वे आता है, तो ये सब क्या है भाई, ये सब सर्वे रिसर्च के तहत आता है। कंज्यूमर फीडबैक जैसे आप लेते हैं, आप गए भाई साहब एक लूलू मॉल खुला हुआ है लखनऊ में, लूलू मॉल में गए, अब कुछ दिन बाद सर्वे होता है, हाउ डू यू लाइक द लूलू मॉल, फैसिलिटीज क्या है, एमेनिटीज क्या है, तो ये भाई आप समझिए, तो ये क्या होता है, सर्वे रिसर्च होता है। केस स्टडी रिसर्च क्या होता है? डाटा कलेक्शन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी को लेकर के होता है। एम क्या होता है? कि इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम एट वन एंड, इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट्स को लेकर के आप क्या करते हैं, बहुत गहराई से और डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। कैन बी एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, ये किसी भी प्रकार इनमें से कोई भी काइंड होता है जो केस स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज कीजिए, स्टडी द ऑनसेट ऑफ द सेवियर एंजाइटी ऑफ अ टीनेजर फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर, जो बच्चे नेचुरल डिजास्टर में फंस गए उनमें एंजाइटी का क्या लेवल होता है, कैसे वो शिकार होते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो दिस इज अ केस स्टडी रिसर्च। डाटा कलेक्शन आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, केस स्टडी मेथड में आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूजीसी नेट जेआरएफ के ऑनलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, आप इसमें एनरोल करके यूजीसी नेट 2023 को क्रैक कर सकते हैं। ऑल स्टेट सिविल जज पहले से ही चल रहा था एपीओ का, इसमें आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ द बैचेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली, तो किस में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस एंड सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन।